और खबरों में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने हजीरा थाना क्षेत्र से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देकर फरार चल रहा था। बीती रात पुलिस ने उसे गोले के मंदिर के इलाके से शराब की दुकान के पास से दबोच लिया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP राजेश दंडोतिया ने बताया है कि जनवरी महीने में यादव धर्म कांटे के पास आरोपी नरोत्तम सिंह ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की थी और उसके बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। ।2022 को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति को के साथ मारपीट की गई थी और उसको यादव धर्म कांटे के पास उसको जब उसको काफ़ी मारपीट हो गई थी, घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। इस आधार पर मर्ग कायम किया जाकर और उसमें फिर सेक्शन 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक की गिरफ्तारी हो चुकी थी, दूसरे की खबर मिली थी, क्राइम ब्रांच की टीम ने को सूचना मिली थी। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना हीरा के साथ कंबाइंड कार्रवाई करते हुए थाना गोले के मंदिर के पास कलारी है, कलारी के पास से उक्त आरोपी को हिरासत में लिया।